दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 9 बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के एम प्लस एन गुना है। पिता की उम्र जो है वह उसके पुत्र के गुण के यानी कि गुना यानी कि पुत्र के उम्र के एम प्लस एन गुना है। यदि पुत्र की उम्र 10 वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना। देखिए, ये आप ऐसे नहीं समझोगे, ठीक है? आपको दूसरे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखिए, कहता है कि पिता की उम्र यानी कि जो है वह पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के एम प्लस एन गुना है। अगर जो है वह पुत्र की उम्र अगर जो है वह पाँच है, ठीक है? अगर जो है वह पुत्र की उम्र जो है वह एन यानी कि पाँच है, तो यानी कि देखिए ये जो है वह यानी कि कहता है यानी कि देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के एन एम प्लस एन एम प्लस एन का स्थान मान चलिए हम जो है वो पाँच दे देते हैं। तो पाँच हम दे दिए। यदि पुत्र का उम्र यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर जो है वो पुत्र का उम्र जो है वो 10 वर्ष है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? तो यहाँ सुना कर देंगे अर्थात ये 50 वर्ष हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे जो है वो कहता है पुत्र का उम्र दिया हुआ इतना, तो कहता है पिता की उम्र के लिए व्यंजक कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पुत्र का उम्र ये जो है वह पुत्र का उम्र जो है वह क्या है? तो पुत्र का उम्र जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। पुत्र का उम्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखिए, वह पुत्र की उम्र जो है वह दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो वह हम दे दिए। तो अब देखिए, अब कह रहा है पिता की उम्र के लिए व्यंजक, तो देयरफॉर ये पिता की उम्र क्या हो जाएगा? पिता की उम्र, देखिए क्वेश्चन समझिए, पिता की उम्र अब क्या कह रहा है? देखिए, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र का ये जो है वह एम प्लस एन गुना है। तो पुत्र का गुना यानी उम्र कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इतना गुना है तो ये हम एम प्लस एन गुना होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन, देखिए पिता की उम्र ठीक है, और यहाँ समझिएगा उसके पुत्र के उम्र का एम प्लस एन गुना है। तो पुत्र की गुण एम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी कि एम प्लस एन गुना है। ये जो है इनको हम गुना कर देंगे, बस कुछ नहीं है। अब देखिए, इसको हम गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ये एम प्लस एन और ये माइनस वाई स्क्वायर इंटू एम प्लस एन। अब देखिए, इनको हम गुना कर देंगे तो ये हमारा यानी कि एक्स स्क्वायर एम प्लस ये एक्स स्क्वायर एन माइनस ये वाई स्क्वायर एम और ये माइनस ये वाई स्क्वायर एन, यही जो है वह इनका आंसर बा हो जाएगा, ठीक है? तो अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा पिता की उम्र के लिए व्यंजक। तो व्यंजक हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स स्क्वायर एन माइनस ये वाई स्क्वायर एम माइनस वाई स्क्वायर एन, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वो यानी कि हमारा 9.3 भी जो है वो अब खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 9.4 प्रश्नावली के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।